नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कश्मीर में विशेष पुलिस अधिकारी आदिल बशीर हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल, 7 साल में 14 कश्मीरी पुलिस वाले बने आतंकवादी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आरोप, नरेंद्र मोदी सरकार में आम आदमी कतार में, क्रोनी कैपिटलिस्ट का काला धन सफेद हुआ। नोटबंदी के बाद बैंकों के 3.16 लाख करोड़ डूबे। नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा मुझे भले ही 24 घंटे गाली दो पर महात्मा गांधी, सरदार पटेल और अंबेडकर जैसी महान शख्सियतों को अपमानित न करें। पीएनबी घोटाले के भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की 5 देशों में 637 करोड़ की संपत्ति जब्त। तमिलनाडु में रजाली नौसेना स्टेशन पर नौसेना का चेतक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित। गुजरात में गिर के जंगल में 2 और शेरों की मौत, 19 दिनों में 16 शेरों की मौत। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पुलिस की गोली से मारे गए विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना से की मुलाकात, यथासंभव मदद का भरोसा दिया। तेजस्वी यादव का आरोप, परिवार में कलह की अफवाहों के पीछे है नीतीश, राजद समर्थकों का तोड़ रहे हैं मनोबल। राजधानी दिल्ली में एक और स्वयंभू बाबा पुलिस की गिरफ्त में, शरीर की शुद्धि के नाम पर करता था दुष्कर्म। बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर और निर्देशक राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर का निधन। भूकंप और सुनामी ने इंडोनेशिया में मचाई तबाही, अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों जख्मी, मलबे में फंसे कई लोग। ईरान में जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की मौत, 302 बीमार। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।